हेलो स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो सीरीज चल रहा है। इसमें से ये है दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेडा को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो किंगडम मोनेडा, अब किंगडम मोनेडा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा? किंगडम मोनेडा में हम लोगों को पढ़ना होगा, नंबर वन हैबिटेट, यानी कहाँ पे मिलता है हैबिटेट। नंबर टू हम लोग देखेंगे इसका टाइप्स। हम लोग फिर देखेंगे न्यूट्रिशन, ओके। फिर हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग देखेंगे रोल यानी सिग्निफिकेंस। और क्या देखेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारे चीज एनसीईआरटी में एकदम डिस्कशन किया हुआ है, तो यही सब चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। एनसीईआरटी के बाहर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि नीट के ऊपर बेस करके ये वीडियो बन रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं हैबिटेट। मोनेडा के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा? सिर्फ जो सारे बैक्टीरिया है मोनेडा में, तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेडा। एकदम एनसीईआरटी में किंगडम मोनेडा का जो पहला लाइन लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेडा एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी एनवायरमेंट में जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा पाया जाएगा? ये बैक्टीरिया यानी मोनेडा पाया जाएगा। अब हैबिटेट कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? हर जगह पे बैक्टीरिया मिलेगा। हम लोग एक टर्म यूज कर सकते हैं कॉस्मोपोलिटन, ठीक है। एक टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं कॉस्मोपोलिटन। ये टर्म किंगडम फंजाई में भी यूज किया हुआ है एनसीईआरटी में। ये टर्म हम लोग मोनेडा में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हर जगह पे मिलता है, ठीक है। कुछ भी हो, पानी में मिलेगा, एयर में मिलेगा, लैंड में मिलेगा। अगर हम लोग एक मुट्ठी भर मिट्टी लेंगे तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएगा। हर जगह पे जहां पे भी हम लोग देख पाएंगे वहां पे ही बैक्टीरिया मिलेगा। इसको छोड़ के जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स है, जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स कौन कौन सा होगा? सपोज हॉट स्प्रिंग हो सकता है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग। फिर डेजर्ट हो सकता है, फिर स्नो हो सकता है, डीप ओशन हो सकता है, ठीक है। ये सारे चीज एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स है यानी अनफेवरेबल जो कंडीशन है जहां पे शायद ही और कोई ऑर्गेनिज्म मिल सकता हो, उस जगह पे भी बैक्टीरिया या फिर किंगडम मोनेडा का ऑर्गेनिज्म मिलेगा। हॉट स्प्रिंग में क्या होगा? बहुत हाई टेम्परेचर होगा, तो नॉर्मली वहां पे दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। डेजर्ट में क्या होगा? हाई टेम्परेचर होता है। स्नो में क्या होगा? बहुत लो टेम्परेचर। डीप ओशन में क्या होगा? बहुत हाई वाटर का प्रेशर होगा ना, बहुत नीचे। तो ये सब एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी हम लोग को बैक्टीरिया या फिर मोनेडा मिल जाएगा, जो जहां पे और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म शायद ही मिल सकता हो, ठीक है। तो हैबिटेट में ये सब चीज हम लोग का एनसीईआरटी में पूरा डायरेक्ट लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेडा, जो मैंने पहले ही कहा कि एकदम फर्स्ट लाइन यही लिखा हुआ है। फिर देखो, दे आर द मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे बैक्टीरिया मिलेगा। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर एक मुट्ठी मिट्टी लेंगे तो उसमें भी काफी सारे बैक्टीरिया मिल जाएगा। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, देखो एकदम अनफेवरेबल। एक्सट्रीम मतलब या तो हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा या फिर सेलाइन होगा या फिर हाई पीएच लो पीएच ऐसा भी हो सकता है, हाई प्रेशर हो सकता है। तो एक्सट्रीम जो हैबिटेट्स होगा वहां पे मिलेगा, सच एज हॉट स्प्रिंग्स मैंने कह दिया, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, ठीक है। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, मतलब जहां पे दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म शायद ही सर्वाइव कर सकता हो। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स, यानी बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में भी दूसरे किसी एनिमल हो या प्लांट हो उनके बॉडी के ऊपर या फिर अंदर। इन और ऑन यानी बाहर भी हो सकता है, ऑन
ऊपर बॉडी के ऊपर, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्टोपैरासाइट। अगर बॉडी के बाहर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक्टोपैरासाइट, और अगर इन यानी बॉडी के अंदर मिलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एंडोपैरासाइट। ओके, तो पैरासाइट के रूप में भी बैक्टीरिया पाए जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का टाइप्स बेस्ड ऑन शेप्स। बेस्ड ऑन शेप्स, बैक्टीरिया का शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके बैक्टीरिया को हम लोग चार कैटेगोरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन कॉकस, नंबर टू बैसिलस, नंबर थ्री स्पाइरिलम, नंबर फोर विब्रियम। अब कॉकस कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा स्फेरिकल, इसका शेप होगा स्फेरिकल यानी ऐसा राउंड शेप्ड होगा। ठीक है, डिप्लोकॉकस न्यूमोनी का नाम तो हम लोग सुने होंगे, तो कॉकस होगा यानी स्फेरिकल राउंड शेप होगा। बैसिलस मतलब, बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड, इलोंगेटेड रॉड शेप्ड। ओके, इलोंगेटेड रॉड शेप्ड यानी ऐसा होगा रॉड शेप्ड बैसिलस। ओके, लैक्टोबैसिलस जो मिल्क से कार्ड प्रिपरेशन में हेल्प करता है, बैसिलस ऐसा लंबा होता है। स्पाइरिलम का शेप कैसा होगा, स्पाइरल, स्पाइरल शेप होगा, ऐसा स्पाइरल शेप होगा। और फ्री एंड में ऐसे फ्लाजेला भी होता है स्पाइरल में। ठीक है, एनसीईआरटी का फोटो हम लोग अभी देख लेंगे कौन कौन सा फिगर दिया हुआ है। हेलिकोबैक्टम पाइलोरी जो होता है वो स्पाइरिलम का एग्जाम्पल होगा, स्पाइरल शेप। विब्रियम का कैसा होगा शेप, इसका शेप होगा कॉमा शेप, कॉमा शेप। ओके, ऐसे हम लोग कॉमा यूज करते हैं ना सेंटेंस के बीच में, तो इसका शेप होगा ऐसा, ऐसा कॉमा शेप होगा। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया है वो कॉमा शेप्ड होता है। तो शेप के ऊपर निर्भर करके बैक्टीरिया को हम लोग चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कॉकस, बैसिलस, स्पाइरिलम एंड विब्रियम। अभी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कैसा फिगर दिया हुआ है। ये देख लो कॉककाई, यहाँ पे कॉककाई क्यों लिखा है, मैंने तो कॉककस कहा, कॉककस सिंगुलर में, कॉककाई प्लूरल में, मतलब बहुत सारा कॉककस हुआ तो उसको कॉककाई कहेंगे। सिमिलरली बहुत सारा बैसिलस को बैसिलाई कहेंगे, बहुत सारे स्पाइरिलम को एक साथ स्पाइरिला कहेंगे, बहुत सारे विब्रियम को विब्रियो कहेंगे। ठीक है, बैसिलस में देखो यहाँ पे स्पोर भी दिखाया गया है, तो ये तो रिप्रोडक्शन में होगा, वो मैं बाद में आता हूं। तो कभी कभी ये लोग स्पोर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो शेप के अनुसार चार हिस्सों में, चार टाइप्स में हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब जब बैक्टीरिया बाहर से इनऑर्गेनिक चीज को कलेक्ट करके अपने बॉडी में ऑर्गेनिक फूड खुद बना लेगा, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बाहर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सपोज कार्बन डाइऑक्साइड पानी को ले लेता है फिर ग्लूकोज बना देता है, तो ऐसे अगर अपने बॉडी में खुद खाना बना लेगा तो उसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। अगर ऑर्गेनिक फूड के लिए वो बाहर किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा यानी बाहर से रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड वो कैप्चर करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक। मतलब हेटेरोट्रॉफिक में बैक्टीरिया खुद का खाना खुद नहीं बना सकेगा ऑर्गेनिक फूड, यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक फूड खुद बना सकेगा। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक में खाना बनाने के लिए बाहर से एनर्जी लेना होता है ना, अपना बॉडी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेके ऑर्गेनिक फूड बनाएगा, लेकिन ये खाना बनाने के लिए बाहर से एनर्जी कैप्चर करना जरूरी है। अब वो एनर्जी किस चीज से लेता है उसके ऊपर डिपेंड करके इसको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक और केमो ऑटोट्रॉफिक दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब देखो फोटो यानी सनलाइट से या फिर लाइट से एनर्जी
कैप्चर करेगा बैक्टीरिया। बाहर से जो बाहर में जो लाइट है, लाइट से एनर्जी लेके उस एनर्जी से अगर खुद का खाना खुद बना लेगा तो उसको हम लोग कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। और केमो ऑटोट्रॉफिक में केमो ये वर्ड यूज किया गया है, केमो का मतलब बाहर में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके वहां से जो एनर्जी लेगा कैप्चर करके उससे खाना बनाएगा। तो खाना तो खुद ही बनाएगा लेकिन खाना बनाने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी लाइट से नहीं लेगा, केमिकल रिएक्शन से लेगा, केमिकल रिएक्शन से लेगा। अब कौन सा केमिकल रिएक्शन? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके उससे ये लोग एनर्जी लेगा। एग्जाम्पल क्या होगा? नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, बाहर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो अमोनिया हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है, उससे जो एनर्जी बनता है वो एनर्जी कैप्चर करता है, फिर उस एनर्जी से अपने बॉडी में खाना पकाता है। तो इसको हम कहेंगे केमो ऑटोट्रॉफिक। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक तो मैंने कहा कि बाहर से लाइट से एनर्जी कैप्चर करके अपने बॉडी में खाना बनाएगा। अब जो फोटोट्रॉफिक है ये लोग तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस में अगर पानी का यूज होता है तो वहां पे ऑक्सीजन बनता है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऑक्सीजेनिक, और जहां पे हाइड्रोजन डोनर के रूप में पानी काम नहीं करता है, सपोज H2S काम करता है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है इसको फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीजेनिक यानी जहां पे ऑक्सीजन बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, और एनऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन नहीं बनता है, यहाँ पे सल्फर बन सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऐसा बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा जो हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं ना, तो जैसे एनाबीना, एनाबीना या फिर नोस्टॉक, ठीक है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो है ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और एनऑक्सीजेनिक का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो यहां पे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे सल्फर प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, सल्फर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का डोनर रूप में पानी काम नहीं करता है, H2S काम करता है। तो समझ में आ गया न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉफिक पार्ट, यानी यहाँ पे खुद का खाना खुद बना लेगा। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक, यानी यहाँ पे खुद अपना खाना नहीं बनाएगा, यह बाहर से किसी चीज से अपना ऑर्गेनिक फूड कैप्चर करेगा। अब हेटेरोट्रॉफिक में ये फिर तीन तरीके से हो सकता है न्यूट्रिशन, क्या क्या, एक हो सकता है सैप्रोफाइटिक, एक हो सकता है सैप्रोफाइटिक, दूसरा हो सकता है पैरासाइटिक, और क्या हो सकता है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से, बाहर में कोई डेड बॉडी अगर पड़ा होगा, वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसमें वो अपने बॉडी से एंजाइम सिक्रीट कर देगा, वो एंजाइम बाहर जाके उस डेड बॉडी के ऊपर काम करेगा, फिर वहां पे सिंपल ऑर्गेनिक फूड वहां से एब्जॉर्ब करेगा, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब यहाँ पे भी वो फूड के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ठीक है। तो कोई अगर लाइव या लिविंग एनिमल हो या प्लांट हो, उसके बॉडी से अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब दो चीज, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेगा, दोनों एक दूसरे को हेल्प करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। सिम्बायोटिक में क्या होगा, सपोज राइजोबियम है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट के नोड्यूल में मिलता है,
वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है प्लांट को, और उसके बदले में उस प्लांट जो लेगुमिनस प्लांट है वो इनको खाना प्रोवाइड करता है, रहने को भी देता है। तो सिम्बायोटिक में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेगा वहां पे, आपस में एक दूसरे को हेल्प करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। तो हेटरोट्रॉफिक में तीन तरह का हो सकता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक। यहाँ तक क्लियर है? अभी देख लेते हैं क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में। अच्छा, बैक्टीरिया, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। मैंने स्ट्रक्चर के बारे में उतना ज्यादा नहीं बोला इस चैप्टर में, क्योंकि बैक्टीरियल सेल तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट से है ना, ये लोग तो प्रोकैरियोट से। तो प्रोकैरियोट सेल का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, सपोज ये वाला एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रहेगा, उसके बाहर सेल वॉल रहेगा। अब ये सेल वॉल बैक्टीरिया का तो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ सेल वॉल रहता है, सेल वॉल, ठीक है। तो पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, उसके बाहर और एक लेयर हो सकता है, स्लाइम लेयर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब जब हम लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में मैं बात करूँगा, ठीक है। और प्रोकैरियोट है तो इसलिए इसका साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस तो होगा नहीं, ऐसे नेकेड सर्कुलर डीएनए रहता है ना, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब इस जो जेनेटिक डीएनए है इसको छोड़ के एक या उससे ज़्यादा और स्मॉल स्मॉल डीएनए रह सकता है, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉमन फीचर्स है। तो ये है न्यूक्लियोइड, कभी कभार फ्लाजेला हो सकता है, ठीक है, पिली रहता है, फिम्ब्री रहता है। तो मैं वो सब डिटेल में एकदम नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे सेल्स चैप्टर में। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स है सेल में, मतलब स्ट्रक्चर में सिंपल हो सकता है लेकिन बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ग्रुप है बैक्टीरिया, दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। न्यूट्रिशन का जो टाइप्स है वो सबसे ज्यादा दिखता है किंगडम मोनेरा में। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, मैंने अभी कहा खुद का खाना खुद बना सकता है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ। लेकिन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। भले ही कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ हो लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ होते हैं, यानी अपना खुद का खाना खुद बना नहीं सकते। दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी ये वाला कौन सा होगा, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो ये पैरासाइटिक भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा न्यूट्रिशन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो पैराग्राफ। अभी हम लोग देखेंगे आर्किबैक्टीरिया के बारे में। पहले बोल देता हूं कि जो किंगडम मोनेरा है, जो किंगडम मोनेरा है उसको दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है आर्किबैक्टीरिया, फिलहाल आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ओके, यूबैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया मतलब ओल्ड या एंशियंट बैक्टीरिया, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया जो होता है ये लोग एकदम एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलता है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलता है। एक्सट्रीम हैबिटेट्स क्या है वो मैंने पहले ही बोल दिया। आर्किबैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम हैबिटेट में कैसे सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि आर्किबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, आर्किबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो नॉर्मल यूबैक्टीरिया का जो सेल वॉल, जो मैंने अभी कहा कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है, लेकिन आर्किबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनता है। उसमें क्या रहता है, उसमें पॉलीसेकेराइड रहता है, डिफरेंट तरीके का पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके का पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बनता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन जैसा यानी यूबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उससे काफी अलग होता है, जो जो इन्हें एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने का, मतलब रहने के लिए, रहने का लायक बना देता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम हैबिटेट में ये लोग जिंदा रह सकता है। अब आर्किबैक्टीरिया को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा मिथानोजेंस,
दूसरा होगा हेलो फाइल्स एंड तीसरा थार्मो एसिडो फाइल्स. ओके, मिथानोजेंस, हेलो फाइल्स एंड थार्मो एसिडो फाइल्स. मिथानोजेंस कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा मार्शी एरियाज में. मिथानोजेंस मिलेगा मार्शी एरियाज में मिलेगा. और कहां मिलेगा? और मिलेगा इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स यानी एग्जाम्पल क्या होगा? काउज, बफेलोज एटसेट्रा. ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिलता है और ये मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करता है. मीथेन गैस, हाँ, मीथेन गैस, मीथेन गैस प्रोडक्शन में हेल्प करता है. मीथेन गैस प्रोडक्शन याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. हेलोफाइल्स कहाँ पे मिलेगा? हेलोफाइल्स मिलेगा सॉल्टी एरिया में. ठीक है, जहाँ पे नमक का भाग ज्यादा होगा सॉल्टी एरियाज में मिलेगा. थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ मिलेगा? हाई टेम्परेचर रीजियन में. हाई टेम्परेचर वाला रीजियन में मिलेगा थर्मो एसिडोफाइल्स. अब तीनों देखो एकदम एक्सट्रीम हैबिटेट से, मार्शी एरिया जहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज्यादा रहता है, सॉल्टी एरिया सॉल्ट का कंसेंट्रेशन हाई है, थर्मो एसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर या फिर एसिडिक यानी लो पीएच, लो पीएच एसिडिक एनवायरनमेंट. तो ये सारे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम मोस्ट ऑफ द हार्श हैबिटेट्स. ठीक है, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हेलोफाइल्स रहते हैं सॉल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज में मिथानोजेंस कह दिया मैंने. आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. ये भी मैंने बोल दिया, यू बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है किससे? पेप्टाइडोग्लाइकन से. यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं रहता है, उसके बदले में क्या रहता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स. एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. है ना, इतना हार्श कंडीशन, इतना अनफेवरेबल कंडीशन या एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रहने का लायक बना देता है ये सेल वॉल स्ट्रक्चर. मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन यानी बायोगैस, मीथेन गैस. ठीक है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स. चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं यू बैक्टीरिया के ओर. यू बैक्टीरिया यानी जो ट्रू बैक्टीरिया जिसे हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया. अब इनका तो मैंने कह दिया कि जो सेल वॉल है वो बनेगा पेप्टाइडोग्लाइकन से, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन से. यहां पे हम लोग देखेंगे साइनोबैक्टीरिया क्या चीज है. साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी. ऑब्वियसली प्रोकैरियोट से, प्रोकैरियोट्स तो मल्टीसेलुलर होता नहीं है, यूनिसेलुलर होता है. अब ऐसा जो सिंगल सिंगल सेल्स है ये लोग एक दूसरे के साथ एक साथ रह के ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना सकता है. ओके, तो कॉलोनी या फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऐसे ये लोग बना देगा. अब इस कॉलोनी के बाहर एक जिलेटिनस शीथ रहता है, म्यूसिलेजिनस शीथ या फिर जिलेटिनस शीथ. कॉलोनी के बाहर या फिलामेंट के बाहर क्या रहता है? म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस शीथ या फिर जिलेटिनस शीथ. अब ये मैंने फिगर ड्रॉ किया नॉस्टॉक का. ठीक है, ये एनसीईआरटी में ये फिगर भी है, मैं आगे दिखाता हूं. इन नॉस्टॉक में कुछ सेल्स होते हैं जो थोड़ा बाकी सेल्स से स्पेशलाइज्ड होता है, हाँ? और ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट. ये हेटेरोसिस्ट जो सेल्स होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो एल्गी मैंने ये नाम मेंशन किया लेकिन ये अभी एल्गी के साथ सेम जगह पे रखा नहीं गया है, अलग इसको किंगडम में तो डाला गया है. पहले तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पूरा मोनेरा, कुछ कुछ प्रोटिस्टा, सबको एक साथ तो किंगडम प्लांटी में रखा गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, लेकिन फाइव किंगडम में ये सब अलग हो गया. तो एल्गी के साथ इसका सिमिलरिटीज क्या है? एल्गी तो अभी किंगडम प्लांट में हम लोग पढ़ते हैं, प्लांटी में. तो यहाँ पे
इनके बॉडी में क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल रहता है, वही सेम पिगमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका फिगर देख लेते हैं। अच्छा, ये रहा फिगर नोस्टॉक का, ठीक है। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो यहाँ पे जो स्पेशल सेल है इसका नाम है हेटेरोसिस्ट, और ये जो फिलामेंट है इसके बाहर जो जिलेटिनस शीथ है या फिर उसको म्यूसिलेजिनस शीथ भी हम लोग कह सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, जैसे मैंने कहा कि यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, ये रिजिड सेल वॉल जो है इसका कॉम्पोनेंट क्या है, पेप्टाइडो ग्लाइकैन, ठीक है। यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से अलग है सेल वॉल के स्ट्रक्चर में ही। एंड इफ मोटाइल, अगर ये मूव कर सकता है तो उसमें फ्लाजेला रहेगा, मतलब हर बैक्टीरिया में फ्लाजेला नहीं रहता है, जो मोटाइल है जो स्विम करेगा या फ्लोट करेगा उसमें फ्लाजेलम रहेगा, लेकिन जो नॉन मोटाइल है या सेशाइल है उसमें फ्लाजेलम नहीं रहेगा। दी सायानो बैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल ए रहेगा तो मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ तो जरूर होगा, कोई क्लोरोफिल अपने बॉडी में लेके घूमेगा और खाना नहीं पकाएगा अपने बॉडी में, ऐसा तो नहीं हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस, जो मैंने कहा यूनिसेलुलर तो होगा ही, प्रोकैरियोट्स तो मल्टीसेलुलर होता नहीं है, लेकिन सिंगल सिंगल सेल एक साथ रह के कॉलोनी भी फॉर्म कर सकता है या फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा, मेरीन वाटर में भी पाया जाएगा, टेरिस्ट्रियल एल्गा भी हो सकता है, यानी पानी में भी मिलेगा, टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट में भी मिलेगा। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ, कह दिया मैंने। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्गल ब्लूम होता है ना पॉल्यूटेड वाटर में, अगर वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे क्या होता है, ये साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके पूरा पानी के ऊपर एकदम छा जाता है, तो वो पानी पूरा एकदम ग्रीन बन जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो ब्लूम कौन बनाता है, ब्लूम बनाता है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, क्या नाम कहा मैंने उनका, हेटेरोसिस्ट, ये रहा हेटेरोसिस्ट, एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबीना। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड एमोनिया, मैंने कुछ देर पहले बोल दिया जो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो लोग करता है। एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, तो इनको हम लोग कहेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या केमो ऑटोट्रॉफ। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, हम लोग जब क्लास 10 में नाइट्रोजन साइकिल पढ़े थे तो वहां पे याद करो एमोनियम से बनता है नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट, तो वो जो नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है ना ये सब, तो न्यूट्रिएंट साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल में मोस्टली हेल्प करता है। और क्या क्या, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है, ये सब साइकिलिंग में हेल्प करता है बैक्टीरिया। अच्छा, ये पैरा के बारे में हम लोग अभी इसके बाद वाले स्लाइड में देखेंगे, रोल ऑफ बैक्टीरिया में देखेंगे। अच्छा, पहले रिप्रोडक्शन देख लेते हैं फिर हम लोग रोल पे आते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का तीनों तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये टर्म यूज नहीं करना ही अच्छा होगा क्योंकि ये टर्म जनरली यूज किया जाता है प्लांट के, जब प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये असेक्सुअल बोलना ही अच्छा होता, लेकिन मैंने बोल दिया याद रखने के लिए। और सेक्सुअल, तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, मैं इस पे बाद में आता हूँ, एक स्टार दे के रखो, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर क्या चीज है मैं बाद में आता हूं। वेजिटेटिव मतलब फिशन, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के, ये टर्म प्लांट्स में यूज किया जाना चाहिए, यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, तो वहां पे फिशन बर्डिंग वो सब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे फिशन देखने को मिल सकता है। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये उसका डीएनए है, ठीक है,
तो फिशन में क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएगा, ऐसे दो बैक्टीरिया, ठीक है। बीच में क्या होता है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन होके एक से दो डीएनए बनेगा, फिर ये सेल बीच में से डिवाइड करके दो सेल बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं फिशन। तो फिशन देखने को मिलता है। असेक्सुअल में क्या होगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, तो वहां पे कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, स्पोर फॉर्म कर लेता है, स्पोर फॉर्मेशन। तो वो स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो जर्मिनेट करके नया बैक्टीरिया बना देता है। ये वाला फोटो देख लो, यहाँ पे मैंने दिखाया था ना कि जो बैसिलस है उसमें स्पोर दिया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, देखो स्पोर दिया हुआ है, ठीक है। तो बैसिलस में ऐसा स्पोर बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग फिर लौट जाते हैं। ओके, तो असेक्सुअल हो गया, अच्छा स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब सेक्सुअल में आते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। पहले जान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से हो सकता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन, और तीसरा कॉन्जुगेशन। ये सब एनसीईआरटी में यहां पे लिखा नहीं है, मैं एकदम छोटे करके बोल रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ये हम लोग क्लास 12 में जाके जब ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, वहां पे देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक बैक्टीरिया जो मीडियम से या फिर दूसरे बैक्टीरिया का, अगर डेड बैक्टीरिया हुआ तो वहां से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, इसका खुद का डीएनए है, इसके ऊपर आके कोई वायरस बैठता है और वायरस किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए शायद कैरी कर रहा था, वो अगर इसके अंदर आ गया तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में किसी मीडियम से बैक्टीरिया दूसरा डीएनए कलेक्ट करता है। ट्रांसडक्शन में इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए आता है वो किसी वायरस कैरी करके लाता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया ऐसे आपस में आसपास आके जुड़ जाता है, फिर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्मेशन होता है और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये जो एफ कह के जो प्लाज्मिड होता है, एफ प्लस स्ट्रेन में रहता है, वो डीएनए एक से दूसरे के बॉडी में कॉन्जुगेशन ट्यूब से ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये सब डिटेल में जानना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी यहाँ पे मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट गैमेट फ्यूजन होता है, तो वो सब देखने को कभी भी नहीं मिल सकता है बैक्टीरिया में। इसलिए बैक्टीरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये तीन तरीके से हो सकता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, मैंने कह दिया। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, ठीक है। यहाँ पे देखो जो फिशन है, फिशन का फोटो दिया हुआ है, एक बैक्टीरिया था उसका डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, दो डीएनए बन गया, फिर बीच में से ये दो अलग अलग बैक्टीरिया में डिविजन हो रहा है, ए डिवाइडिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे फिशन दिखाया गया है, ठीक है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, मैंने वर्ड यूज किया वेजिटेटिव। अभी हम लोग देखेंगे रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रोल दो कैटेगोरी में हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा हेल्पफुल, दूसरा होगा हार्मफुल। हेल्पफुल यानी जो हम लोग का अच्छे काम के लिए है। नंबर वन डिकम्पोजर्स है ना, जो बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक है, जो बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक है वो डिकम्पोजर का काम करेगा। मिट्टी में अगर कोई डेड बॉडी पड़ा रहेगा तो उससे वो क्या करेगा, अपना एंजाइम रिलीज करके उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेगा, तो सेप्रोफाइटिक डिकम्पोज में हेल्प करेगा, डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगा। कार्ड मेकिंग, मिल्क से जो कार्ड बनता है, मिल्क से जो दूध से जो दही बनता है, उसमें लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है ना, लैक्टोबैसिलस, ये नाम तो मैंने पहले भी कहा था, जो बैसिलम पढ़ा है ना, रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस,
तो बैक्टीरिया कार्ड मेकिंग में हेल्प करता है, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के खिलाफ हम लोग के बॉडी को लड़ने के लिए हेल्प करता है एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन हेल्प करता है, साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना क्लॉस्ट्रीडियम है ना, सॉरी एनाबीना नॉस्टॉक और फिर ये दोनों ही होगा साइनोबैक्टीरिया में जो हेटरोसिस्ट रहता है उसमें पाया जाता है, हेटरोसिस्ट में, हेटरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है, एनाबीना नॉस्टॉक। अभी देखेंगे हम लोग हार्मफुल, हार्मफुल यानी बैक्टीरिया हम लोग के बॉडी में, सिर्फ हम लोग ही नहीं एनिमल्स और प्लांट्स में जो पैरासाइट के रूप में रहता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में, तो उनके बॉडी में डिफरेंट डिजीजेज ये लोग कर देता है। अगर एनिमल्स का हम लोग बात करेंगे तो एनिमल में कौन कौन सा डिजीज करता है ये लोग, ये लोग करता है टिटेनस, कॉलेरा, कॉलेरा, टाइफॉइड एनिमल्स में, प्लांट्स में, साइट्रस कैंकर है, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास सिट्री। टिटेनस में क्या होगा, कॉलेरा में क्या होगा, कॉलेरा का पता है, बोलो कौन सा, मैंने पहले बोला जो शेप के ऊपर डिपेंड करके जो टाइप है इसमें बोला था ना, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरी है ना, विब्रियो कॉलेरी। टिटेनस में साल्मोनेला टाइफी, और टाइफाइड में टाइफाइड में क्या होगा, सॉरी साल्मोनेला टाइफी तो टाइफाइड में होगा, सॉरी साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड में, सॉरी साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी तो टाइफाइड में, टिटेनस में क्या होगा, टिटेनस में क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ओके, तो ये रहा बैक्टीरिया का हार्मफुल और हेल्पफुल रोल। अच्छा अभी देख लेते हैं क्या लिखा है। अच्छा अभी हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में देखेंगे, रोल तो यही तक था एनसीईआरटी में। माइकोप्लाज्मा भी ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको भी किंगडम मोलेरा में ही रखा गया है। इसका क्या क्या फीचर याद रखना होगा, पहला याद रखना होगा कि दीज आर द स्मॉलेस्ट, दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन यानी सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म। दे लैक सेल वॉल, कोई सेल वॉल होता नहीं है। दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और एंड और क्या पॉइंट याद रखना होगा, दे आर पैथोजेनिक, दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में और कुछ पढ़ना नहीं होगा, यही चारों पॉइंट याद रखना होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल, ये पॉइंट याद रखना होगा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, दूसरा पॉइंट। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तीसरा पॉइंट। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये चारों पॉइंट हम लोग को याद रखना होगा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग का किंगडम मोनेरा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का किंगडम यानी प्रोटिस्टा को लेके लौटते हैं, ठीक है, चलो।